सुल्तानपुर तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सोनपुर खमरिया के ग्रामीणों ने सुल्तानपुर तहसील पहुंचकर खराब धान की फसल के मुआवजे को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया, तो वहीं फसल खराब होने का सबसे बड़ा कारण बिजली की पर्याप्त व्यवस्था न होना किसानों द्वारा बताया गया। किसानों का कहना है, हम बिजली की समस्या को लेकर विधायक पटवा और वरिष्ठ अधिकारियों से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है, जिससे हमारी धान की फसल इस बार पूरी तरह नष्ट हो गई है, जिसका हमें पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। वहीं किसानों द्वारा बताया गया कि ये समस्या आज की नहीं पिछले कई वर्षों से है और इस समस्या को लेकर क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र पटवा से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन वह सिर्फ आश्वासन देकर चले जाते हैं। वहीं पिछले 15 वर्षों से सुरेंद्र पटवा भोजपुर क्षेत्र से विधायक हैं, लेकिन वह अभी तक हमारी समस्याओं को नहीं सुलझा पाए हैं। इस बार हम ग्राम पंचायत सोनपुर खमरिया के सभी किसानों ग्रामीण विधायक पटवा को वोट नहीं देंगे, चाहे हमें नोटा पर ही वोट देना पड़े या चुनाव का बहिष्कार करना पड़े। आपको बता दें कि इससे पहले भोजपुर विधानसभा में आने वाली ग्राम पंचायत खपरिया के आधा दर्जन गांव के लोग भी मूलभूत सुविधा न मिलने से विधानसभा लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का बोल चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश जाट। कहाँ से आए आप? दियावाड़ी। किस संबंध में आए तहसील? मैं इस धान के संबंध में आया साहब, पूरी धान सूख चुकी है, बिजली पानी के द्वारा लाइट मिलती नहीं है, पीटीआर एक रखा है, पटवाजी सुरेंद्र पटवाजी ने बोला कर जल्दी जल्दी रखवा देंगे, वहाँ झूठ बोलते हैं, बार पे बार झूठ बोल रहे हैं, हर जगह जाके झूठ बोल रहे हैं। क्या करें साहब, मर रहे हैं किसान जी, धाने सूखी हाथ में धरे फिर रहे हैं, यूरिया डारा डीएपी डारा सब सूख गया साहब, सब पानी में गए, सरकार ठाड़ी लेने के लिए पैसे कहाँ से देंगे पैसे? आगे क्या चाहते हो? आगे ये चाहते हैं साहब, हमारी व्यवस्थाएं पूरी सही साठ करें, बिजली भी सही मिलनी चाहिए, पीटीआर रखानी चाहिए, उड़द में पीटर पे एक पीटीआर पे तीन लाइने चला रहे हैं, 70 गांव पे 12 गांव जा रही है, गोरखपुर जा रही है, चौरा कमड़ोर रही थे, दियावाड़ी और उधर उमरई बेरा कहाँ तक पेश लेंगे साहब, ये बताइए। पीटीआर गर्म हो जाता है, हम क्या करें? आप सरकार से कहो, विधायक जी इसके कई बार कह चुके हैं, विधायक जी कहते हैं कर देंगे 8 दिन में 4 दिन में, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। क्या नाम भाई साहब? रणवीर सिंह गुर्जर। कहाँ से आए हो आप? हम रायलवाड़ी सगौनिया का रहने वाला हूँ, पूरे सोनपुर खमरिया पंचायत से संबंधित बात बोलूंगा मैं। क्या समस्या है? पानी की बहुत बड़ी समस्या है भाई, हमारे यहाँ पानी किसानों के पास बहुत कम है और बिजली मिलती नहीं है। पीटीआर के लिए विधायक महोदय से कई बार आवेदन निवेदन भी किया, प्रार्थना भी की, आश्वासन दिया उन्होंने, लेकिन आज तक पीटीआर रखा नहीं है। एक पीटीआर है, 60-70 गांव है, 6-8 घंटे मुश्किल से लाइट मिल रही है, क्या करें किसान? बीमा प्रीमियम हर साल हम लोगों का कटता है, ना तो मुआवजा मिलता है ना बीमा। कौन है वर्तमान विधायक? कौन है? श्रीमान सुरेंद्र पटवा जी। कितने सालों से हैं? 15 वर्षों से हैं। आगे क्या चाहते हैं? अब कुछ परिवर्तन चाहते हैं, उनको तो अब पसंद नहीं करते हम लोग, उनको चाहते ही नहीं है, उन्हें तो अब कुछ विकास करते ही नहीं है, केवल आश्वासन देते है बस। चुनाव में आगे किसको क्या आप समर्थन दोगे? अब जो भी अब सब लोगों का जैसा मत होगा, लेकिन पटवा जी को तो बहिष्कार वोट नहीं। क्या नाम है आपका? सुरेश राठौर। कहाँ से आए आप? ग्राम पंचायत खमरिया सुवनपुर। किन किन समस्या को लेकर आए आप? हमारी समस्या है भैया लाइट और पानी की मेन समस्या है। हमारे वर्तमान विधायक महोदय से हम कई बार निवेदन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई सिवाय घोषणाओं के, और उन्होंने कुछ नहीं किया। 15 साल से हम तो सिर्फ पटवा जी को झेल रहे हैं, इस बार हमारे काम नहीं तो वोट नहीं। हम चाहते हैं कि इस बार हम पटवा जी को वोट नहीं देंगे, बाकी चाहे हमें नोटा पे डालना पड़े। कौन सी पंचायत लगती है? ग्राम पंचायत खमरिया सोन। कितने गांव आते हैं इसमें? 3 गांव आते हैं, राजलवाड़ी दियावाड़ी और खमरिया। टोटल कितनी आबादी होगी? टोटल आबादी 2000 के लगभग। सभी बहिष्कार करेंगे इस बार चुनाव? जी जी, पूरे पंचायत बहिष्कार करेंगे।